And welcome if you're watching my channel for the first time. I make videos related to fashion, lifestyle, and you know everything that goes on with my life. So, yeah, I just love to document my life. So, you're watching my channel, and thank you for watching me. <laughs> Anyways, guys, so this video is all about my 30 to 40 day challenge that I did.

कि मैं पूरे दिसंबर शुगर नहीं खाऊंगी बिकॉज यू नो क्रिसमस न्यू ईयर इतना कुछ हो रहा है एंड यू नो इतनी सारी uh, चीज़ें मिलती है खाने को एंड इतनी सारी स्वीट चीज़ें होती है खाने को केक्स ये वो एवरी थिंग सो आई वॉज लाइक नो यू नो वॉट आई नीड टू क्विट शुगर एंड इट्स हाई टाइम एंड लेट मी जस्ट एक्सपेरिमेंट एड सी फॉर माई सेल्फ हाउ इट वर्कस फॉर मी वेदर एम एबल टू डू इट बिकॉज मैं एक बहुत बहुत बड़ी फूडी हूँ फूडी के अलावा मुझे मीठी चीज़ें बहुत पसंद है लाइक मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है आई लव मिठाइज आई लव रसगुल्लास आई लव गुलाब जामुन जलेबी रबड़ी लाइक चॉकलेट्स आप बोलते जो मुझे सब चीज़ें पसंद थी आई एम सेंग थी बिकॉज आई एल एक्सप्लेन यू वॉट हैपेंड ड्यूरिंग माई यू नो शुगर शुगर क्विट करने वाला टाइम एनी सो नवंबर एंड में आई डिसाइडेड दैट आई वॉन्ट टू क्विट शुगर एंड देन डिसम्बर से मैं एक शादी थी मेरी फ्रेंड की एंड यू नो उसकी उनकी शादी में भी आई डेंट हैव एनी मिठाई एनी uh, शुगरी थिंग्स या दैट वॉज माई डेडिकेशन यू गाइज सो या क्विथ शुगर फॉर द होल डिसम्बर मंथ एंड दिज आर द फाइव चेंजेस दैट आई स इन माई बॉडी नंबर वन बींग माई वेट वॉज दिस एंड नाउ विच दिस सो यू नो मेरे को वन पॉइंट फाइव के जी लॉस हुआ है so I lost 1.5 kgs with, which might not be a big thing for you guys but it is a big thing for me because in this process इन दिस प्रोसेस एक महीने तक मैंने शुगर तो छोड़ दिया था बट मैं सब कुछ खाती थी जंक फूड मैं मोमोज uh, सारे जंक फूड नूडल्स वगैरह ए टू जेड सारी चीज़ें खाती थी हाँ मैं ट्राई करती थी कि मैं एटलीस्ट एक मील दो मील हेल्दी लूँ मैं दिन के दो मील्स लेती हूँ तो मैं ट्राई करती थी कि एक मील तो है, मैं हेल्दी लूँ अगर मैं अनहेल्दी मील खा रही हूँ तो दूसरे दिन मैं पूरा हेल्दी खाऊँ तो ये ट्राई करती थी मैं बट हाँ मैंने जंक फूड नहीं छोड़ा मैं जंक फूड खाती थी बट एनी वेज जंक फूड खाने के बावजूद मैंने वन पॉइंट फाइव के जीज वेट लॉस करा है विच इज़ नाइस ओके फर्स्ट थिंग तो ये था कि थोड़ा सा वेट रिड्यूस हुआ है एंड द मेन थिंग इज जब ये वेट रिड्यूस हुआ ना आई वेंट फ्रॉम दिस टू दिस आई मीन आपको थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा मेरी डबल चिन बहुत ज़्यादा थी जब मैं यू you नो know, मैं, मैंने वेट रिड्यूज़ नहीं किया था ये मेरे फ्रेंड की शादी की पिक्चर है एंड ये उसके बाद की पिक्चर है जब मैं रिसेंटली वीडियो शूट किया अभी मैंने थोड़ा बहुत गुड़ खाना स्टार्ट कर दिया एनी वे तो मेरा स्किन मेरी जो फेस की चर्बी है मेरी जो फेस फैट है वो डेफिनेटली रिड्यूज़ हुआ है एंड आई कैन टेल यू ये रिड्यूज़ हुआ है बिकॉज मेरा uh, ट्रेनर माई जिम ट्रेनर एक्चुअली टोल्ड मी दैट ओमाई गॉड यू लाइक आई वेंट टू जिम आफ्टर लाइक अ मंथ सो मैंने नवंबर में जिम छोड़ दिया डिसंबर के बाद जब मैंने चीनी खाना छोड़ दिया तो जब मैंने नाईक्विड शुगा उसके बाद जनवरी में आई अगेन स्टार्ट गोइंग टू द जिम एंड जिम ट्रेनर वॉज लाइक यू लॉस्ड वेट मतलब तुमने जिम छोड़ दिया बट तो तुमने तुम्हारा फेस चर्बी कम लग रही है तो क्या किया तो मैंने मैं तो कहा मैं मीठा खाना छोड़ दिया था कहना हाँ तुम्हारे फेस में दिख रहा है तो एक्चुअली में मेरे जो फेस की फैट है वो रिड्यूस हुई है सो या दिस वॉज पॉइंट नंबर वन दैट इफ यू क्विट शुगर दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन फॉर यू गाइज ऑल राइट पॉइंट नंबर टू एक्चुअली मैंने पॉइंट नंबर वन और पॉइंट नंबर टू को मिक्स कर दिया है पॉइंट नंबर वन वर्स कि मेरा वेट लॉस हुआ है पॉइंट नंबर टू हुआस कि मेरा फैट रिड्यूस हुआ है मेरा फेस फैट रिड्यूस हुआ है सो दीज आर दी फर्स्ट टू पॉइंट third point being my energy levels were on next level like I remember gym छोड़ने से पहले मेरे पास बिल्कुल energy नहीं होती थी मैं मतलब उठती थी जाती थी मुझे बिल्कुल काम करने का मन नहीं करता था gym में I mean workout करने का मन नहीं करता था but हाँ sugar quit करने के बाद मेरे को एक्चुअल में वो रियलाइजेशन और मेरे को एक्चुअल में वो रिजल्ट दिखे हैं कि मेरी एनर्जी जो थी वो काफ़ी इम्प्रोवाइज एंड improved हुई है अब आप बोलोगे शुगर क्विट करने के बाद तो एनर्जी नहीं होती होगी बॉडी को बिकॉज ग्लूकोस नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस ऐसा नहीं है कि मैंने कंप्लीटली शुगर अपनी डाइट से हटा दिया था आई यूज टू हैव शुगर इन द फॉर्म ऑफ फ्रूट्स ओके सो फ्रूट के फॉर्म में तो मैं शुगर ले रही हूँ राइट सो दैट इज मेरी बॉडी को जितना ग्लूकोज चाहिए वो तो मुझे मिल रहा है राइट right? लेकिन बाकी जो गंध है जंग वाला शुगर है वो मेरी बॉडी नहीं ले रही है विच इज अ नाइस थिंग और राइट सो दिस वॉज नंबर थ्री कि मेरी एनर्जी लेवल्स एक्चुअल में काफी इंक्रीज हो गई थी मुझे जिम जाने का मन करता था नंबर फोर अगर आप सोच रहे हो चीनी छोड़ने का अगर आप शुगर क्विट करने का सोच रहे हो The let me tell you guys the first week is going to be extremely difficult for you. पहला वीक बहुत डिफिकल्ट होने वाला है बिकॉज आपको क्रेविंग्स होगी आपके सर चक्कर देगा। मुझे याद है जब मैं फर्स्ट वीक था मैं ऑफिस में ऑफिस से निकल रही थी मेरे को लिटरली इतना जोर का चक्कर आया ना आई वॉज लाइक नहीं 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 मैं खा लेती हूँ बट एनी वे मैंने खाया नहीं uh, अगर आपको कभी ऐसा फील हो जाए आप शुगर प्इट कर रहे हो ग्लूकोज वाला पानी ले लो या ग्लूकॉन डी ले लो एंड इट विल बी नाइस बट ऐसा कुछ होता नहीं वो फीलिंग आती है बिकॉज यू नो आप शुगर हर दिन कंज्यूम करो आप अचानक से लेना बंद कर दो तो आपके माइंड को भी एक झटका पड़ता है कि अरे ये क्या हो गया <laughs> तो ये चीज है तो ऐसा कुछ नहीं है पहला वीक डिफिकल्ट होने वाला है एम टेलिंग यू मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट था फर्स्ट वीक मुझे बहुत क्रेविंग होती है लेकिन उसके बाद से बूम मुझे क्रेविंग्स होना बंद हो गया लाइक like, लिटरली अभी मैं को बिल्कुल भी क्रेविंग्स नहीं होता भले मैं पीरियड्स में हूँ भले मैं कहीं पर भी हूँ मैं किसी भी स्टेट में हूँ मैं उदास हूँ कुछ भी हूँ पहले तो मैं उदास होती थी, थी मैं सिर्फ चीनी खाती रहती थी मैं चॉकलेट्स खाती थी मिठाइयाँ खाती थी अभी ऐसा कुछ भी नहीं होता मेरे साथ एंड टच व टच व शुगर एक बार आप लेना बंद कर दोगे ना आपको शुगर की क्रेविंग्स होनी ही बंद हो जाएगी सो दैट वॉज नंबर फोर दैट मेरी जो क्रेविंग्स है वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुकी है नाउ लेट्स कम टू पॉइंट नंबर फाइव अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी ना जिसमें मैंने अपने एक्ने ने जोनी के बारे में बात किया मैंने बताया था कि मैंने चीनी लेना भी छोड़ दिया था बट uh, उसके बाद मैं लेने लग गई थी मुझे पिम्पल्स होते थे ना अफकोर्स आई न्यू कि मैं शुगर लेना छोड़ूंगी तो मेरे पिम्पल्स होने भी बंद हो जाएंगे लास्ट जो मुझे पिम्पल्स हुए थे वो ये था एंड उसके बाद यू कैन सी लाइक लिटरली टचवुड टचवुड मुझे पिंपल्स होना भी बंद हो गया एंड लिटरली माई स्किन इज ग्लोइंग जब से मैंने यू uh, नो you know, चीनी खाना छोड़ दिया जब से मैंने शुगर कंज्यूम करना छोड़ दिया माई स्किन इज ग्लोइंग जितने भी आप एक्टर एक्ट्रेसेस को देखते हो ना लेट मी टेल यू गाइज वन सीक्रेट ये जितने भी एडवरटाइजमेंट करते हैं ना वो पेड होता है गाइज ये एक्टर एक्ट्रेसेस जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो कम्पलीटली डिफरेंट है उनके रियल लाइफ से राइट right? उनकी रियल लाइफ और उनकी रियल लाइफ काफी अलग होती है वो बस एडवर्टाइजमेंट में दिखाते कि ये चिप्स ये कुरकुरे ये शुगरी चीजें बिस्किट केक ये वो ब्लाब्लाब्ला स्टफ एक्चुअल में वो शुगर कंज्यूम नहीं करते मैंने कालिया भट्ट की इंटरव्यू देखी थी जिसमें कपिल शर्मा के शो में जिसमें शी वॉज लाइक आई डोंट ईट शुगर मैंने इनफैक्ट कितनी सारे इंटरव्यूज में देखे कि जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज है दे डू नॉट कंज्यूम शुगर एंड दैट इज द रीजन उनकी स्किन इतनी ग्लो करती है एंड उनकी एज उनके चेहरे पर नहीं दिखती है राइट right? अफकोर्स सर्जरीज वगैरह बात की बात है पहले आपको फिजिकल एक्सपीरियंस से दिख जाएगा बिकॉज दे वर्कआउट दैट इज ऑफकोर्स द प्रायोरिटी कि आपको वर्कआउट तो करना ही चाहिए बट एनी वे मेरा जो पॉइंट ये है कि शुगर खाने से आपकी स्किन ग्लो करती है एंड दैट ग्लो आई वॉज एबल टू सी एंड इट वॉज विजिबल ऑन माई स्किन ऑन माई फेस राइट एंड ग्लो के साथ साथ मेरे फेस में पिम्पल्स भी एकदम बंद हो गए कम्प्लीटली इट गॉट कम्प्लीटली रिड्यूज सो आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दैट कि या थैंक गॉड कि अब चलो ठीक है सो या आई मीन स्टार्टिंग में थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बट धीरे धीरे जब आपको ये यू no, नो ये विजिबल रिजल्ट दिखने लग जाएंगे तो यूल बी लाइक अब क्या फ़ायदा खा के ऑनेस्टली सेंग्स सब आपके इट्स एवरी थिंग इज योर आर माइंड ओके आपके दिमाग में सारी चीजें होती है अगर आप खाना छोड़ दो ना अगर आप लिटरली भूल जाओ शुगर के बारे में आपको क्रेविंग्स भी नहीं होगी सो या दैट वॉज इट फॉर दिस वीडियो यू गाइज आई होप यू लाइक दिस वीडियो इफ यू डिड मेक श्योर टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माइर चैनल अनाइल्स यून माई नेक्स्ट वीडियो ट्राई करना शुगर छोड़ना एंड डू लेट मी नो कमेंट सेक्शन में कि आपने छोड़ा आपको कैसा रिजल्ट मिला अब मैं नाइन्टी डेज के लिए शुगर छोड़ने वाली हूँ एंड मैं उसका रिजल्ट भी लाऊंगी आपके सामने एंड मैं जिम भी जाऊंगी जंक फूड भी छोड़ दूंगी सो यू नो आई सी वॉट विल हैपन एंड क्या मेरा वेट रिड्यूज होता है नहीं होता है बी अ मिस्ट्री फॉर यू गैट एनी वेज मेक श्योर लाइक कमेंट सब्सक्राइब माइ चैनल बाई